तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्राइस हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि प्राइस हिस्ट्री जो है वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा। तो सपोज डैट कि दोस्तों, आपने कोई भी एक ई कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई एक प्रोडक्ट बाई किया, उसका प्राइस अभी 500 है एंड जस्ट नेक्स्ट डे दोस्तों उस प्रोडक्ट का प्राइस जो ड्रॉप कर गई, उसकी प्राइस हो गई 300। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली से 200 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे आपको हो गई। तो दोस्तों ये जो आपको वेबसाइट है, ये जो ऐप है दोस्तों प्राइस हिस्ट्री, इसके हेल्प से आप दोस्तों कोई भी ई कॉमर्स साइट के प्रोडक्ट के, किसी भी अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो और बहुत सारे मिंत्रा, कोई सा भी ई कॉमर्स साइट है, उसकी कोई भी प्रोडक्ट की आप जान सकते हो कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस या लोएस्ट प्राइस कितनी गई है और कौन सी मंथ में। तो उसके अकॉर्डिंग से आप दोस्तों यहाँ पे जब भी उसकी राइट टाइम रहे, सबसे ड्रॉप प्राइस रहे, उसका सबसे लोएस्ट प्राइस रहे, उस समय से आप एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे प्राइस पे एक प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप आ चुके हो मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना क्या, सबसे पहले दोस्तों जिस भी ई कॉमर्स साइट से आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसे कर लो ओपन। तो यहाँ पे आप सिंपली से, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे जाके एक प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपली से बोया माइक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नीचे में मुझे बोया M1 माइक दिख रहा है, तो सिंपली से करता हूँ इसे क्लिक। यहाँ पे अगर बात करें इसकी करेंटली प्राइस की, तो वो अप्रॉक्स 700। तो सिंपली से यहाँ पे करना क्या, आप देख सकते हो टॉप राइट साइड में यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली से इसे करना है क्लिक। इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉपी टू क्लिकबोर्ड। तो सिंपली से इसे हमें इसका लिंक को कर लेना है कॉपी करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हमें जाना है बैक जाते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कोई सा भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली चलिए करते हैं इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे सिंपली से इसके सर्च बार में हमें जाना है, सर्च बार में जाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली से प्राइस हिस्ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी से यहाँ पे सर्च कर रखा हूँ प्राइस हिस्ट्री, तो सिंपली से इसे करता हूँ क्लिक। इसे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला वेबसाइट जो खुल के आई हमारे सामने प्राइस हिस्ट्री, तो इसे करना है सिंपली से क्लिक। इसे क्लिक करते हैं, आप दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस इस वेबसाइट का खुल के आया। तो यहाँ पर देख सकते हो पेस्ट द प्रोडक्ट URL यहाँ पे हमें देखा मिल रहा है लिखा। तो सिंपली से यहाँ पे क्या करना है, वो जो मैंने किसी भी प्रोडक्ट को अभी खरीदा है, वो या M1 को उसे खरीदना चाहता हूँ, सिंपली से जहाँ पे अभी मैंने वहाँ पे उसे कॉपी किया था उसकी लिंक को, तो सिंपली से हमें यहाँ पे कर देना है उसे पेस्ट। पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ट्रैक प्राइस लिखा मिल रहा है, तो सिंपली से करना है क्लिक। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बन के हमारे सामने आई है। तो अगर बात करें, देख सकते हो यहाँ पे टॉपर हाईएस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, जो हाईएस्ट प्राइस गई है इस माइक की, बोया M1 की, वो है 1350 रुपीज़। एंड लोएस्ट की बात करूँ तो लोएस्ट यहाँ पे मैं सिंपली से इस ग्राफ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके ईजिली से मैं इसे बस इधर उधर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोएस्ट की बात करूँ तो अराउंड 620 रुपीज़ गई है। एंड अभी करेंटली बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 699 रुपीज़ इसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे आप इजीली से देख सकते हो इस प्रोडक्ट की, कोई सा भी प्रोडक्ट आप जब ख़रीदने जाओ कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन सी समय में उसका जो सबसे हाईएस्ट प्राइस गया और कौन से सीजन या समय में सबसे लोएस्ट प्राइस गई है। तो हाईएस्ट तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे हाईएस्ट 1315 रुपीज़ गई है, वो गई है 11 जुलाई 2020 में। और लोएस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 दिसंबर 2020 में इसका सबसे लोएस्ट प्राइस गई है अप्रॉक्स 650 रुपया। तो यहाँ से आप इजीली ग्राफ भी, कोई सा भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, यहाँ से उसकी URL को कॉपी करो और इस वेबसाइट में आके पेस्ट कर दो और सिंपली से आप जान सकते हो कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है एंड सबसे लोएस्ट प्राइस कितनी गई है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ट्रिक को यूज़ करके आपको अगली बार कोई भी कॉमर्स साइट से आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा और एक आप बहुत ही अच्छी सेविंग कर सकते हो। तो आपको वीडियो तो ज़रूर ही अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ अगली बार।